वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर आपके सामने आपके मंजूर सर एक नया वीडियोस लेकर आए हैं। मैंने बहुत सोचा कि आज मैं क्या वीडियो लूँ, क्योंकि वीडियोस तो कई लोग कई तरह का डाल रहे हैं और व्हेन यू वॉच यूट्यूब ना तो उसमें कई वीडियोस होते हैं, लेकिन हर वीडियो का इंटेंशन होना चाहिए कुछ सिखाना। मेरा भी फिलॉसफी यही है कि वेन एवर यू वॉच सम काइंड ऑफ वीडियोज़ ना यू मस्ट लर्न समथिंग। देखिए, जब आप एक पुस्तक लेते हैं और कुछ नई बातें आप सीख जाते हैं तो आपका पुस्तक लेने का मकसद पूरा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप कोई वीडियोज़ देखते हैं और आपने कुछ नई चीज़ें सीख लिया तो वो आपका मकसद पूरा हो गया। तो आज मैं आपके सामने इट का प्रयोग लेकर आया हूँ। अब आप बोलोगे सर इट का प्रयोग में तो बहुत कॉमन चीज़ है। नहीं नहीं नहीं, आप कन्फ्यूज्ड हो। इसका मतलब इट इतना सिंपल है नहीं जितना दिखता है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। इट के बारे में जब मैं डिटेल्स बताऊंगा आपको आज की वीडियोस में तो आपको ताजुब होगा कि सर इट ऐसे भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ, देखिए इट सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इट कौन चैप्टर में आएगा। इट जो आएगा इंग्लिश के प्रोनाउन चैप्टर में आएगा। ठीक है, प्रोनाउन जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें हम इट के बारे में बताते हैं और इट का बहुत बड़े लेवल पर प्रयोग होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन कैटेगरीज में आता है इट। प्रोनाउन कई तरह के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोनाउन। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट का प्रयोग को कैसे कैसे स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में, राइटिंग स्किल में और बोलने में आप इट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे। बहुत कॉमन वर्ड्स है बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर कन्फ्यूज्ड। नाउ आई एम टेलिंग यू दैट वेयर वी कैन यूज़ इट। हर चीज़ की शुरुआत आसान से होती है, आसान लेवल से होती है। तो पहला रूल बहुत ही कॉमन रूल होगा जो शायद आप जानते होंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग। ये एक सिंपल सा रूल है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आप नहीं जानते होंगे, ये बिल्कुल आप जानते होंगे, लेकिन इसके बाद के जो रूल्स आएंगे ना वो आपको चौंका देने वाले हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग। इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, बेजान वस्तु के लिए होता है। जितनी चीज़ें बेजान होती है उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आप देखोगे, आई हैव अ लैपी, लैपी मीन्स लैपटॉप एंड इट इज न्यू। ठीक है, मान लीजिए आपने ये एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल सीखा, मेरे पास एक लैपटॉप है, लैपी है और वो नया है, तो लैपी के बदले में इट का प्रयोग हुआ। इट यहाँ पर प्रोनाउन हुआ और ये किसके लिए आया, लैपी के लिए आया जो ये नॉन लिविंग है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि इट का इस्तेमाल जब हम करेंगे वो नॉन लिविंग के लिए करेंगे। Most of the time we use it for non-living thing. This is what first rule that indicating that where we can use it. Apart from that, when you we come detail upon this, जब हम इसमें detail आते हैं into this, तो हम ये पाते हैं, हम ये जानते हैं कि और it का इस्तेमाल या प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। इट के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार आता है दूसरा रूल। यहाँ से इंटरेस्टिंग गेम शुरू होता है, द गेम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे आप इट के बारे में दूसरा रूल कहता है कि इट का प्रयोग या इट इज़ यूज्ड, ठीक है, इट का प्रयोग जो होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखिए एक तरफ तो कह रहा है कि इट का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है भाई, नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, वो एक रूल है। दूसरा कह रहा है इट का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों के लिए, ओके, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इट का प्रयोग होगा, जिनकी आयु, जिनकी एज, ध्यान दीजिएगा बहुत क्रूशियल स्टेज पर आप आए हो, जिनकी आयु, जिनकी एज 5 ईयर्स से कम की हो या 5 ईयर्स हो। ठीक है, मतलब अगर वियर्स दिया हुआ है और कोई बच्चा छोटा है जिसकी एज 5 साल,
या उससे कम की हो। हिंदी में कहीं पर मिस्टेक होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आई यूजुअली राइट इंग्लिश, आई डोंट टीच इन हिंदी, बट बेसिकली बिकॉज ये यूट्यूब कंटेंट्स हैं, इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो एक अच्छा शिक्षक वही होता जो अपनी बातों को सही ढंग से समझा दे। दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन हिंदी, अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो। वेल, तो मैं इंग्लिश भी यूज़ करूंगा, बट चूंकि चीज़ें समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा हिंदी लिख रहा हूँ। इसका प्रयोग छोटे छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर्स से कम की हो या 5 ईयर्स हो, जिनकी आयु, जिनका एज कम 5 साल से कम का हो या 5 साल हो। देखिए ये क्या बोलते हैं, ये कह रहा है कि जब किसी का एज, किसी बच्चे का एज 5 साल हो या 5 साल से कम का हो तो उसके लिए इट का। पहला कहता है इट इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए बहुत से लोग ये जान गए, उनके दिमाग में नहीं आएगा बच्चों के लिए इट होगा, लेकिन होता है, ये एक्सेप्शन रूल है। और अब कैसे बच्चे, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि ही हैज अ बेबी, मैंने कहा ही हैज अ बेबी, उसके पास एक बच्चा है एंड खाली जगह दे दिया इज 4 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, बहुत ही प्यारा ये रूल है। ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह में भी पैटर्न जो क्वेश्चंस के ऐसे काफ़ी आते हैं कि ही हैज़ ए बेबी एंड इज 4 ईयर्स ओल्ड, मतलब उसके पास एक बच्चा है जिसकी आयु 4 साल की है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग या तो ही लिख देंगे या तो शी लिख देंगे, लेकिन चूंकि उसका बच्चा है और आपको उसके जेंडर के बारे में पता नहीं लग सकता है, अभी बच्चा 4 साल का है, आप उसको देख करके उसके जेंडर के बारे में पता नहीं लगा सकते हो, तो इस कंडीशन में व्हेन यू कैन नॉट फाइंड द जेंडर ऑफ सम काइंड ऑफ बेबी राइट नाउ, देन वी हैव टू यूज इट एट दिस, ऐसे सिचुएशन में आपको इट का प्रयोग करना होगा। अगर यहाँ पर आप शी या ही लगाते हो ना, तो ये बिल्कुल गलत है, इट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। He has a baby and it is 4 years old is the right answer. यहाँ पर it किसके लिए आया, baby के लिए आया। तो it हम कहाँ लगाते हैं, बच्चों की उम्र को बताने के लिए जिसकी आयु 4-5 साल या 5 साल से कम की हो। वैसा बच्चा जो दूसरे का हो, आपका नहीं हो, जब आपका वो बच्चा होगा तो आपको अब यहाँ पर हीशी, आपको यहाँ पर हीशी लगाना है, it नहीं लगाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, अगर बच्चा आपका है या आपका रिलेशन में है जिसके बारे में आप पर्सनली जान रहे हो ये बच्चा है कि बच्ची है, तो फिर आप बोलो कि आई हैव अ बेबी एंड शी इज 4 ईयर्स ओल्ड, आई हैव अ बेबी या ही इज 4 ईयर्स। आप स्क्रीनशॉट लें फिर मैं बताता हूँ। वेल, तो मैं बोल रहा था दोस्तों कि इट का प्रयोग जो होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए होता है। अगर आपने कहा कि आई हैव अ बेबी, मेरा एक बच्चा है एंड इट इज 4 ईयर्स ओल्ड, तो यकीन मानिए ये गलत है, ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग, स्पोकन में भी रॉन्ग होगा, क्योंकि बच्चा आपका है तो आपको ये पता है कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि आई हैव ए बेबी एंड इट इज 4 ईयर्स, नो, अब आपको कहना पड़ेगा आई हैव ए बेबी एंड शी इज 4 ईयर्स ओल्ड। अगर वो बच्ची है तो शीज, अगर वो बच्चा है तो आप फिर हीज कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये साफ हो गया कि हम इट का प्रयोग वहां करेंगे जहां पर बच्चा 5 साल या उससे अंदर का। अच्छा, 5 साल से बड़ा का बच्चा हो, जैसे ही हैज ए बेबी, ही हैज ए बेबी एंड इट इज 6 ईयर्स ओल्ड, नो, फिर आप 6 ईयर्स ओल्ड नहीं कह सकते। फिर आपके पास दो ऑप्शन है, अब आपको ही एज ए बेबी, ही और शी इज 4 ईयर्स 6 ईयर ओल्ड, राइट, मतलब फिर आप ही और शी के साथ जाओगे क्योंकि 6 साल की बात आ गई। ये रूल ऑफ सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो हमें करना होगा। देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि 6 साल के बच्चा है तो जैसे 5 साल प्लस हो गया तो फिर आप ही शी दोनों ऑप्शन में जाओगे। तो इट का ये दूसरा प्रयोग होता है जहाँ पर हम करते हैं इट का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों के लिए। तीसरा, इट इज यूज फॉर नेचुरल फिनोमिना, वैसा फिनोमिना जो हो रहा है, जो काम होता है, फिनोमिनन सिंगलर है, फिनोमिना प्लुरल है,
वैसा चीज़ जो प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं जैसे बारिश का होना, अब अगर आपको कहना हो कि वर्षा हो रही है तो आप इट इज़ रेनिंग बोलो, क्या बोलो, इट इज़ रेनिंग। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं हम बोल सकते रेन इज हैपनिंग, नो सब्जेक्ट रेन नहीं हो सकता है, इट इज रेनिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नेचुरल है, आपको इट कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, नेचुरल बिहेवियर नेचुरल फिनोमेना के लिए आपको इट के साथ जाना होता है। ओके, अगर आपने कहा कि टुडे इज संडे, आज संडे है, टुडे इज संडे आपने कहा, तो ये गलत है। संडे जो संडे का आना नेचुरल, नोबडी कैन स्टॉप कमिंग ऑफ संडे, कोई नहीं रोक सकता है संडे के आना को। तो संडे का आना चूंकि प्राकृतिक घटना है इसलिए आपको कहना पड़ेगा इट इज संडे टुडे, क्या कहना पड़ेगा, इट इज संडे टुडे। जो लोग बोलते हैं ना टुडे इज संडे, सॉरी टू से, वो इनकरेक्ट हो जाते हैं आपको स्पोकन इंग्लिश में, ग्रामर में, रिटन में, कॉम्पिटिटिव में। देखिए कॉम्पिटिटिव क्या है, लोगों ने बंटवारा कर दिया, कॉम्पिटिटिव इज नथिंग बट अ सेट ऑफ द रूल्स ऑफ द डिटेल ग्रामर, डिटेल ग्रामर इनकरेक्ट इंग्लिश को करेक्ट करता है, बस यही फंडा है भैया। तो इट इज संडे टुडे इज द राइट आंसर, इट इज सैटरडे टुडे इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं आगे की बात बताता हूँ। सो आपको समझ में आ गया होगा इट इज थंडरिंग, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, सब में इट इज़ होगा क्योंकि ये सब नेचुरल है, तो नेचुरल के लिए इट आता है। चौथा इट का प्रयोग बहुत ही प्यारा है, इट इज यूज्ड फॉर इम्फेसाइजिंग द सेंटेंस, जी इम्फेसाइजिंग द सेंटेंस, जब सेंटेंस को इम्फेसाइज करना होता है, जब सेंटेंस को जोर देना होता है, जब सेंटेंस को कुछ इम्फेक्टिक करना होता है तो इट आता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गाना आया था आपको याद होगा, तुम ही हो करके आशिकी 2 का गाना आपने सुना होगा, तुम ही हो मेरी आशिकी, तुम ही हो, या ये पापा ही हैं जिन्होंने मुझे सफल बनाया, ये मेरे भैया ही हैं जिन्होंने मेरी सहायता की, तुम ही हो, ये कहीं ना कहीं ये इम्फेक्टिक है, इट इज़ यू इज द राइट आंसर। ऐसे सेंटेंस क्रिएशन में हम इट इज़ लिखेंगे, तुम ही हो, इट इज़ यू Who stole my book yesterday? तो ये तुम ही हो जिसने मेरी किताब कल चुराई, इट इज यू, तुम ही हो इज ए वेरी कंसेप्चुअल सेंटेंसेज और आपको इट इज करना पड़ेगा। क्या हम इसे दिस इज यू लिख सकते हैं? देखिए दिस इज यू इनफॉर्मल में चलता है और दिस इज यू का हिंदी जो होगा तुम हो होगा, क्या होगा, तुम हो, दिस इज यू, तुम हो, बस हल्का सा फर्क है, समझिएगा बहुत मजेदार चीज है, दिस इज यू तुम हो, इट इज यू तुम ही हो, ये इम्फेटिक हो जा रहा है, थोड़ा जोर हो जा रहा है, हम जोर ना भी दें तो हम बिना जोर वाले सेंटेंसेस को दिस इज यू बोल के निकल सकते हैं, राइट। तो ये फर्क है, कम लोग जानते हैं। इट इज मी बहुत रिलेवेंट है, कुछ लोग कहते हैं इट इज मी गलत है कि सही, इस पर भी बहुत छिड़ा हुआ है। मैं बता दूं ग्रामर वर्ल्ड में अभी तक इट इज़ मी को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में, हॉलीवुड्स में, बॉलीवुड्स में, इनफॉर्मल टॉकिंग में लोग इट इज़ मी बोल रहे हैं, लेकिन इट इज़ मी गलत है, सही क्या होगा, इट इज़ आई होगा, क्या होगा। ऐसे केसेस में जो इट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आता है, कौन केस आता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का अलाउड नहीं है। SSC के एग्जाम में जब आप पैटर्न क्वेश्चन बनाएंगे तो इस पर क्वेश्चन देता है, तो वहाँ पर आप इट इज़ आई ही करेक्ट मानना, इट इज़ मी आप करेंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ इनफॉर्मल में लोग इट इज़ मी बोल रहे हैं उस पर बहस नहीं है, बोलने को तो कुछ भी बोल सकता है, देयर इज नो डिस्कशन अपॉन दैट, द पीपल यूजुअली स्पीक रॉन्ग एंड राइट, इनकरेक्ट और करेक्ट, इट इज़ अनदर थिंग, लेकिन इट इज़ आई इज़ द राइट आंसर, इट इज़ आई इज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट, अभी तक इट इज़ मी को मानता नहीं मिली। आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं बताता हूँ। वेल फ्रेंड्स, इट का एक और इस्तेमाल होता है, मज़ेदार लग रहा होगा आपको, मज़ा आ रहा होगा, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मंजूर सर जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने छात्रों को हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें दूँ। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं या कुछ लोग थोड़ी बहुत चीज़ों को निगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, बट यकीन मानिए आप सीखेंगे इंशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छा एक और रूल है यहाँ पे इट के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि इट इज यूज्ड फॉर अनलिविंग, इट इज यूज्ड फॉर अननोन पर्सन, अननोन पर्सन किस कॉन्टेक्स्ट में, अननोन पर्सन के लिए भी इट का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है। किस कॉन्टेक्स्ट में, आपको पता नहीं है कि दरवाजे के बाहर कौन है,
दो बजे रात में अचानक किसी ने दरवाजा ठकठकाया, आप खड़े उठ गए, कौन है? आपने कहा कौन है, तो अब यहाँ पर सवाल होता है कि कौन है का इंग्लिश क्या होगा। तो चूंकि आपको पता नहीं है कि दरवाजे के पीछे कौन है, तो आप कहो हु इज इट, क्या कहो? हु इज इट। यहाँ पर इट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन पर्सन को, हु इज इट कौन है, तो यहाँ पर हु इज इट होगा। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पे हु इज दिस अगर बोलते हैं तो वो क्या है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी कौन है होगा, हु इज दिस कौन है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभाव से या कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज़ है कि दरवाजे के पीछे भैया आ गए होंगे, किसी ने फ़ोन किया, आपके कज़न ने फ़ोन किया, भैया मैं आज 2 बजे रात में आप पहुंचूंगा आपके घर पर, ठीक है आ जाना, आपकी आंख लग गई, दरवाज़ा ठकठकाया, आपने कहा कौन है? राजू आ गए क्या? हु इज दिस राजू। वेन यू नो कि दरवाजे के पीछे कौन हो सकता है, अंडरस्टैंड हो, अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी पहले से बनी हुई हो, नजरिया फिक्स है कि वो हो सकता है, तो आप हु इज दिस बोलो, क्या बोलो? लेकिन बिल्कुल आप ब्लैंक हो, कुछ पता नहीं कौन है, तो हु इज इट बोलो, क्या बोलो? When you don't know who is there, who is it, okay? When you know, when you have an idea, कि वो हो सकता, who is this? अब इसको ऐसे समझिए ना कि घर में आप हो, टॉयलेट पे गए, टॉयलेट में कोई पहले से था, आपने कहा कौन है, तो आप क्या बोलोगे? घर ही का ना कोई आदमी है, who is this in this toilet? तो who is this बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोग आपको आइडिया है कि मम्मी होंगे, पापा होंगे, भैया होगा, कोई होगा। यही आप सुलभ शौचालय में जाते हो, जो कॉमन शौचालय होता है वहाँ पर आप जाते हो, नॉक करते हो पहले से, आप who is it, क्योंकि आपको पता नहीं कि उस वहाँ पर कौन है। सिंपल एग्जाम्पल दिया समझने के लिए। तो दोस्तों इट का ये प्रयोग होता है कि जब आपको नहीं पता है कि कौन है तो who is it होगा, और जब आपको थोड़ा भी आइडिया है कि कौन है तो who is this होगा। तो ये इट का 5 रूल मैंने बताया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, फिर एक नया वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।